हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो ये जो हम टॉपिक करा रहे हैं, क्लियर करा रहे हैं, RS अग्रवाल मैथ से करा रहे हैं, उसका ये चैप्टर नंबर 15 है। इससे पहले हमने इस पर वीडियो बना दिए और इससे पहले हम 1 से 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आता तो मैं आपको पहले यही बोलूंगा कि आप इससे पहले जो हमने इस पर वीडियो बनाए, इसके बेसिक वगैरह कुछ हमने समझाया, अगर आप उनको समझ लोगे तो ये जो आपको जो आगे वाले क्वेश्चन है समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो पहले वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 से हम आज स्टार्ट करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ये जो है 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। वही भी 3/5 भाग कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 9 दिन करता है। वहीं पर सी 2/3 भाग कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 8 दिन में समाप्त कर रहा है। तो वो बोल रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। पहले तो ये देखो, इनको उसने भाग दिया पूरा कार्य, उसने ये नहीं बोला ए एक कार्य को इतने दिन में समाप्त कर, उसने बोला ए 1/2 भाग को 5 दिन में समाप्त कर रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी पूरे कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब देखो, ए का जब हम निकालेंगे तो क्या करते हैं, हम ये जो 5 दिया हुआ होता है इसमें जो भाग दिया हुआ होता है उसका करते हैं भाग। देखो, जब 1/2 का भाग करेंगे तो 1 तो आएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर, तो ए कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा, 10 दिन में। जब बी का निकालेंगे कि बी इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा, तो ये जो 3/5 भाग 9 दिन कर रहा है, तो 9 में करेंगे हम 3/5 का भाग। तो 3/5 क्या करेंगे, 3 तो नीचे आएगा, 5 जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। उसी तरीके से 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा था, पूरा कितने में करेगा, 8 2 × 3, तो कितना आ जाएगा, ये 12 दिन में। अब देखो, ये चीज आ गई हमारी, ए पूरा कार्य 10 दिन में करेगा, बी पूरा कार्य 15 दिन में करेगा और सी पूरा कार्य 12 दिन में करेगा। अब जब ये इतने दिन में करेंगे तो आगे जो सवाल बनेगा तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ लिख लो ए, ये आपकी समझ में आ गया ना, इसको हम मिटा के आगे हम सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना आया, 10 15 12, अब देखो यहाँ क्या लिखते थे हम, पिछले वीडियो हमने आपको बताया था ना, यहाँ लिखते हैं हम दिन, यहाँ लिखते हैं हम क्षमता और यहाँ लिखते हैं हम कार्य, ये लिखते हैं। तो ए का कितना आया, 10 दिन, इसका कितना आया, 15 दिन और इसका कितना आया हमारा, 12 दिन, ठीक है। ए कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, सी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये तो हमसे सवाल में पूछा है। अब देखो, हमने क्या बताया था, ये जो समय हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, कार्य, उसने बोला एक कार्य को, वो कार्य जो एक दिया है वो कार्य है कितना, हमको तो ये नहीं पता कार्य कितना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कार्य कितना। तो कार्य निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि ये जो दिया हुआ होता है समय 10 15 12, इनका निकालते हैं एलसीएम, कि इनका जो एलसीएम होगा वही हमारा कार्य होता है, वही हमारा कार्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब हम क्षमता निकालते हैं, जब क्षमता निकालते हैं तो इसका इसमें भाग देते हैं, और जब हम इनका एलसीएम यहाँ पर लेंगे कार्य में, तो इन तीनों का उसमें भाग आराम से जा सकता है, जिससे कि हमारी क्षमता भी पूरी पूरी निकल, अगर हम कुछ भी मान लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा कि हम जब क्षमता निकालेंगे तो वो जो संख्या आएगी वो दशमलव में आएगी या भिन्न के रूप में आएगी, तो सवाल को सॉल्व करने में हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए जो इनका एलसीएम होता है वही हम कार्य मानते हैं। अब देखो, जब इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम हमारा 10 15 12 का हमारा एलसीएम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम, आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा ना, 10 का 15 का 12 का एलसीएम आएगा हमारा 60। तो
कार्य तो सबके लिए बराबर ही है, कार्य तो सबके लिए बराबर है। ए भी 60 कार्य करेगा, बी भी 60 कार्य करेगा, सी भी 60 कार्य करेगा, और ए प्लस बी भी उसी कार्य को कर रहे हैं। अब देखो यहां से क्या निकालते हैं, क्षमता। सबसे पहले इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमको क्षमता की जरूरत होती है। क्षमता निकालने के लिए ही हम कार्य निकालते हैं। अब इनकी क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 6। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 6। इसका इसमें भाग देंगे तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4। इसका इसमें भाग देंगे तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5। कितनी आ जाएगी, 5। अब बोला ए प्लस बी प्लस सी कितने, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की क्षमता निकाल ली है हमें, इनको आप जोड़ दो, इनको आप जोड़ दो। तो देखो जब इनको आप जोड़ दोगे तो कितनी आ जाएगी, 15। कितनी आ जाएगी, 15। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई हमारी, 15। इन तीनों को जोड़ के 15 आ गई। अब ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 60 में 15 का भाग दे दो, आपको ये निकालना है कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो समय निकालने के लिए हम कार्य में क्षमता का भाग देते हैं। कार्य कितना है हमारा, 60, क्षमता कितनी हमारी, 15। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में इस कार्य को खत्म कर। अब देखो क्षमता 15 है, क्षमता का मतलब क्या है, क्षमता का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक दिन में जितना कार्य करता है वो उसकी क्षमता हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ए एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, सी एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। इन तीनों को जोड़ दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 कार्य करेंगे, उनको कार्य करना है 60, तो कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमारा, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। यहां दे दिया उसने ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को, यहां लिख दो दिन, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं ए प्लस बी, ठीक है। और ठीक है ए प्लस बी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 8 दिन में। बी प्लस सी उसी कार्य, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहा है, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहा है। यदि बी इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है और उसके बाद कार्य को छोड़ देता है, तो जो शेष कार्य बचता है उसको ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। इसमें क्या बोल रहा है, शेष कार्य को ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं हम क्षमता और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम कार्य। और आपको हमने बताया था कि जब हमको कार्य निकालना होता है, जब हमको कार्य निकालना होता है तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। कार्य निकालना जरूरी है क्योंकि हमको क्षमता की जरूरत है, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए क्षमता की जरूरत है। जिस तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल में चाल की जरूरत होती है सवाल को सॉल्व करने के लिए, उसी तरीके से कार्य वाले सवालों में क्षमता की जरूरत होती है जो हम बताते हैं। क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कार्य। अब 8 और 12 के एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 24। 24 कार्य से अब निकालेंगे इनकी क्षमता। क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, दिन का कार्य में भाग देते हैं, तो ये आ जाएगी 3। इसका इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगी 2। अब वो देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला ए 4 दिन कार्य करता है, उसके बाद कार्य को छोड़ देता है। अब ये जो शेष कार्य बचा उसको ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे आप देखो बी की क्षमता, बी 4 दिन कार्य कर रहा है ना, बी जब 4 दिन कार्य कर रहा है, बी की क्षमता 2 है। क्षमता का मतलब क्या है, बी 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 4 दिन में बी कितना कार्य कर देगा। अब देखो 4 दिन में बी कितना कार्य कर देगा, 4 × 2। अब बी ने 4 दिन में 8 कार्य हमारा खत्म कर दिया। अब शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य जो बचा वो कार्य ए को करना है। शेष कार्य देखो हमारा कितना बचेगा, अब देखो 24 में से आप 8 माइनस कर दो तो शेष कार्य कितना बचेगा हमारा, 16। अब ए को 16 कार्य करना है, वो बोल रहा है ए जो है वो 16 कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा। ये 16 आ गया, 24 में से 8 गए, 16 बचा।
इस 16 कारक को ए को कितने दिन में खत्म करना है, उसके लिए ए की क्षमता जरूरी है। अब ए की क्षमता आप कैसे निकालोगे, अब देखो ए प्लस बी की 3 है, बी की 2 है, तो ए की कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको घटा दो तो ए की क्षमता आ जाएगी 1। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 1। अब देखो काम कितना बच रहा है हमारा, 16 कार्य को एक की क्षमता से एक कितने दिन में करेगा, इसका इसमें भाग दे दो तो 16 में हम 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16। मतलब शेष कार्य को ए जो है 16 दिन में खत्म कर देगा, यही हमको इसमें निकालना था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर देता है। ए जो है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर देता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यहाँ बी दिया हुआ है। अब उसने क्या बोला है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो इसका मतलब परसेंटेज वाला सवाल के आधार पर इसको अनुपात समानुपात पर तोड़ो। 50% को कितना तोड़ देंगे, 50/100 कितना आ जाएगा, 1/2। अब उसने क्या बोला है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो यहां से ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई 2, और बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 3। इन दोनों को जोड़ के कितनी आ जाएगी 3, तो ये आ जाएगी ए की और ये आ जाएगी बी की। ठीक है, ये आपको परसेंटेज में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो हमारी जो परसेंटेज के वीडियो आप उनको देख लेना, ये आपकी चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये कैसे आया। अब देखो ए की कार्य क्षमता कितनी है 2, खत्म कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में, तो हमारा कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन में क्षमता का मतलब है एक दिन में किया हुआ कार्य, मतलब तो एक दिन में ए 2 कार्य कर रहा है, तो 9 दिन में कितने कार्य करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कार्य आ गया हमारा 18। अब 18 कार्य ए ने किया तो 18 कार्य बी करेगा। अब बी जो है वो 18 कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा, अब देखो बी की कार्य क्षमता कितनी है 3, कार्य उसको खत्म करना 18, तो कितने दिन करेगा, 18 में 3 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 6 दिन, यही आंसर आएगा, बी जो है 6 दिन में इस कार्य को खत्म कर देगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोल रहा है सवाल वाला, ये बोल रहा है ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 18 दिन में। फिर बोल रहे हैं बी प्लस सी 24 दिन में, बी और सी 24 दिन में खत्म कर रहे हैं, और सी और ए कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, सी और ए 36 दिन में खत्म कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये हमको निकालना है। उसके लिए हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्षमता निकाल ली है, हमको क्षमता निकालने के लिए हमको कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम निकालते हैं, इनका जो एलसीएम होगा तीनों का वही कार्य होगा। जब आप इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा हमारा 72, तो कार्य आ गया हमारा 72। तो ये ए प्लस बी 18 दिन में 72 कार्य कर रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी हो गई 4, 72 में 18 का भाग दे दो 4। उसी तरीके से बी प्लस सी भी 72 कार्य कर रहे हैं, कितने दिन में 24 दिन में, तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी 3। 24 दिन में 72 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे 3। उसी तरीके से सी प्लस ए की निकालेंगे, 72 कार्य को सी प्लस ए कितने दिन में करेंगे 2, क्षमता आ गई 2। 36 दिन में 72 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 2। अब देखो हमको क्या करना है, ए प्लस बी का निकालना है ना, ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। अब देखो ए प्लस बी का और प्लस सी का जब निकालेंगे तो देखो कार्य तो हमारा बराबर ही रहेगा, तो इसके लिए भी कार्य कितना रहेगा हमारा 72। लेकिन अब इसकी हमको क्षमता निकालनी है, क्षमता आप कैसे निकालोगे, देखो आप जब इन तीनों को जोड़ोगे, तो उससे आपको इनकी क्षमता निकालनी है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ो, क्या रहेगा 2। देखो इन तीनों को आप जोड़ोगे तो ए कितनी बार है 2 बार, बी कितनी बार है 2 बार, और सी कितनी बार है 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C।
कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 आ गया, 9 आ गया। तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो ए प्लस बी प्लस सी की हमारी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 9/2। तो ये हमारी कार्य क्षमता आ गई 9/2। अब 9/2 की कार्य क्षमता से बेहतर कार्य ए प्लस बी कितने दिन में खत्म कर देगा, तो क्या करते थे हम, 72 नीचे 9 आएगा और ऊपर 2 आएगा, इसका इसमें भाग करेंगे तो 9 तो नीचे आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, 72 में 9/2 को भाग करो तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा 16 दिन। कितना आएगा हमारा 16, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 16 दिन में इस कार्य को तीनों मिलकर खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करते हैं। हमको इन तीनों में कोई भी सवाल हो, टाइम एंड वर्क वाले में क्षमता हमको निकालनी है। क्षमता निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, वो चीज आपको पहले निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप क्षमता को आगे निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं, बी और सी, बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और सी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब बोला गया सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा। अब आप इसमें एक चीज देखो, हमको सबसे पहले क्या निकालनी है, क्षमता। क्षमता निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत है, कार्य की। अब कार्य निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम देखो, जब एलसीएम निकालोगे 8, 12, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। तो कार्य हमारा कितना रहेगा, 120 और 120। अब देखो इनकी क्षमता निकाल लो, 8 दिन में 120 कार्य कर रहा है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 15। 12 दिन में 120 कार्य कर रहा है तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 10। 15 दिन में 120 कार्य कर रहा है तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, क्षमता का मतलब एक दिन में किया हुआ कार्य। अब देखो हमको सी का मान निकालना है। अब आप एक चीज देखो, सी का मान निकालने के लिए आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो चीज समझो। देखो पहले आप इन दोनों को जोड़ लो, ए प्लस बी प्लस टू सी, इन तीनों को आप दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस टू सी कितना आ जाएगा, 10 और 8 18। इनकी क्षमता कितनी है, 18, लेकिन हमको दिया है ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 15। ए प्लस बी की जगह कितना लिख देंगे, 15 प्लस 2c = 18। तो 2c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 2c = 18 - 15, तो ये कितनी आ जाएगी, 3। तो c बराबर कितने आ गया, 3/2, मतलब c की जो क्षमता कितनी है, 3/2, c की क्षमता कितनी है, 3/2। अब देखो c जो है 3/2 की क्षमता से 120 कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा, तो देखो 120 3/2 को भाग करेंगे तो 3 आएगा नीचे, 2 जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा, 40 × 2 बराबर कितना आ जाएगा, आंसर आ गया हमारा 80। मतलब ए जो है, सी जो है 120 कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा, 80 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, हमारा आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो में क्या कमी महसूस हो रही है, किस कमी का आपको एहसास हो रहा है, जिससे कि हम उस कमी को दूर कर सकें। चैनल को शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, हमारी पहुंचने में मदद करें, आपके द्वारा ही हम दूसरे लोगों तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।